बजे चार लोग इस बाइक पे बैठे हुए थे और अचानक पिछला टायर उनका फेल हो गया, जिससे गाड़ी इस रास्ते से खाई में गिर गई, जिससे दो लोग मौके पे ही स्पार कर गए और दो लोग विनय तिवारी के एडमिट हुए हैं। जी, तो ये आप लोग क्या मानते हैं कि इसकी लापरवाही है, ड्राइवर की लापरवाही या पीडब्ल्यूडी की? पीडब्ल्यूडी की है। रोड इतना खराब हो गया है कि गाड़ी चलना दुश्वार हो गया। यहाँ से बलदापुर तक मैं टू व्हीलर से जाता हूँ, स्थिति इतनी खराब हो गई कि बिना हेलमेट के मैं 10 मीटर भी नहीं चल सकता हूँ। जी, और मैं तो सरकार की भी गलती मानता हूँ, चूँकि इस पर ध्यान देना चाहिए। आज 3 साल से इस पर काम चल रहा है और अभी भी कुछ हुआ नहीं है और रास्ते इतने ख़राब हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग जो है बहुत स्लो काम कर रहा है। आज के पेपर में हमने देखा कि भी 40% भी काम नहीं हुआ है और किसानों का मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। क्या पुलिया जो संकरी है इससे कोई प्रॉब्लम? कारण भी काफ़ी समस्याएं आप होती हैं और जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिससे हम लोग के घर की तरफ भी काफ़ी जाम लग जाता है। 1-1, 2-2 किलोमीटर कई दिनों से जाम लग जाता है। यात्रीगण काफ़ी परेशान हो जाते हैं, जिस समय जाना रहता है उस समय जा नहीं पाते हैं।